नमस्कार दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर असीम कृपा रखते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं भगवान विष्णु और उनकी एक भक्त बुढ़िया की कहानी। जब भगवान विष्णु स्वयं उसके पास आए चक्की चलाने के लिए। उत्तरपुरा गांव में एक गरीब बुढ़िया गोमती देवी रहती थी। उसका एक बेटा चंद्रभान और उसकी पत्नी चंचल थी। गोमती देवी भगवान विष्णु की भक्ति किया करती थी। वह सुबह उठकर स्नान आदि करती और पूजा की थाली लगाकर भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान की पूजा करती। उसी समय उसकी बहू भगवान के लिए प्रसाद बनाकर लाती थी, जिसका गोमती देवी भोग लगाती थी। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से चंद्रभान का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने नया घर ले लिया है, कुछ दिन बाद हम वहाँ चले जाएंगे। तब गोमती देवी ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तूने नए घर में भगवान का मंदिर बनवाया या नहीं? यह सुनकर चंचल ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन पूजा करती रहती हैं, वहाँ भी आप यही सब करेंगी, इसलिए हमने सोचा है आप यहीं रहें, हम आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल हम दोनों ही जा रहे हैं। यह सुनकर गोमती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रभान, यह बहू क्या बकवास कर रही है? तेरे घर में मेरे और मेरे श्रीहरि के लिए कोई जगह नहीं है? इन्हीं की कृपा से तो यह सब मिल पाया है और तू उन्हें ही भूल गया। चंद्रभान ने कहा, माँ, यह सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और चंचल कह तो रही है कि आपको खर्चा भेज दिया करेंगे, आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? गोमती देवी रोने लगी, लेकिन दोनों बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए। गोमती देवी दिन रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसे कोई दंड नहीं देना, एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह आपकी शरण में आ जाएगा, उसे माफ कर दीजिए। अगले दिन से गोमती देवी सुबह स्नान आदि करके भगवान के लिए प्रसाद बनाती और भगवान श्री हरि का भजन पूजन करके प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वे अपने लिए खाना बनाती, कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनके पड़ोस की एक औरत वहां आई। गोमती देवी ने उससे कहा, बेटी, मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, घर में सामान खत्म होने वाला है। वह औरत बाजार से सारा सामान ले आई और घर में रख दिया। जाते समय उसने पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने आपको नहीं बुलाया? चंद्रभान ने पूरे गांव को दावत दी है अपने नए घर की। तब गोमती देवी ने कहा, जो मेरे श्री हरि का न हो सका वह मेरा क्या होगा, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह औरत चली गई। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमती देवी बहुत कमजोर हो गई। अब उनसे प्रसाद व खाना नहीं बनाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वे प्रसाद बनाती और उसे ही खाकर संतुष्टि कर लेती थीं। एक दिन गोमती देवी भगवान की पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, और कितना कष्ट सहना होगा आपसे मिलने के लिए। यह कहकर वे भगवान का भजन करने लगी। अगले दिन गोमती देवी ने स्नान किया और भगवान के प्रसाद के लिए हलवा बनाने लगी, तो देखा आटा खत्म हो चुका है। उन्हें ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हैं। वे गेहूं लेकर चक्की के पास पीसने बैठ गईं, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरे श्रीहरि भूखे रहें मैं यह नहीं देख सकती, मुझे शक्ति दो प्रभु, जिससे मैं आपका भोग लगा सकूं। यह कहकर उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन चक्की घूम ही नहीं रही थी। एक बार और कोशिश करके वे हार गईं और रोने लगीं। तभी नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया और उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं चक्की चला रहे हैं। गोमती देवी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। तब भगवान ने कहा, मैया, क्या देख रही हो? मुझे भूख लग रही है, इसमें गेहूं डालो,
गोमती देवी को होश नहीं था। वे रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। जब गोमती देवी को सुधाई तो वे प्रभु के चरणों में गिर गईं। भगवान ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो, क्या मांगना है? गोमती देवी ने कहा, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गोमती देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गईं। भगवान ने कहा, मेरा भोग कहाँ है मैया? यह सुनकर गोमती देवी ने हलवा बनाकर भगवान को दिया। भगवान श्री हरि ने बैठकर हलवा खाया और कहा, मैया, मेरा मन भर गया तुम्हारे भोग से। अब इस संसार में तुम्हारा कुछ समय बाकी है, उसके बाद तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी वह छोटा सा घर सुंदर महल बन गया और उसमें अन्न धन के ढेर लग गए। भगवान की कृपा से नौकर चाकर काम करने लगे। भगवान विष्णु के बारे में सुनकर चंद्रभान और चंचल रोते हुए आए और माँ के चरणों में गिर पड़े। गोमती देवी ने उन्हें माफ कर दिया और वे सब साथ साथ रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करने लगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।